तुम अंकल आंटी की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी शादी से पहले मैंने अंकल से वादा किया था। वो लड़का कौन था जिससे मानवी बात कर रही थी? कौन मॉम? वो फोटो वाला? हाँ। नहीं मॉम, अगर वो उसका भाई होता तो वो हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। वो तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ इस गेट टुगेदर में बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे डिनर सर्व करवाने के लिए कहा था। वो नहीं हो पाएगा राज। नहीं हो पाएगा मतलब? आपकी बहू ने सबके लिए खिचड़ी बनाई है। Excuse me everybody. ये जो आप अभी खाने वाले हैं ये मेरी वाइफ ने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए। ये एक बंगाली ट्रेडिशनल आइटम है। एक बात कान खोलकर समझ ले, तबरवास तेरे बाप की तरह कोई तोपड़ी के लोग नहीं है जो मेहमानों को बुलाकर उन्हें खिचड़ी खिलाएंगे। सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिर्फ यही सिखाया कि अमीर लड़कों को फंसाया कैसे जाए। कब तक इस राहुल के गुनाहों की सजा मुझे भुगतनी होगी? फैंटास्टिक फूड, आई लाइक इट। इंडिया का खाना काफी स्पाइसी रहता है, बट दिस इज बेटर, आई लाइक इट। आई कांट बिलीव दिस, लोगों को ये खिचड़ी पसंद आ रही? अमेजिंग, अनबिलीवेबल, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। सबरवाल साहब, आपकी बहू के हाथों में तो जादू है जी, क्या कमाल की खिचड़ी बनाई है कुड़ी ने। थैंक यू, प्लीज एंजॉय। एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल, इन लोगों को उसकी बकवास खिचड़ी पसंद कैसे आई? वाह, मानवी के हाथ में क्या स्वाद है, बिल्कुल लाजवाब। वाह सोनाली, बेटा तुम ही खा के देखो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, तेरी बहू के हाथ का बनाया हुआ पहला खाना है, खा ना। ले मैं तुझे खिलाती हूँ, ले खा। राज ये देखो, खिचड़ी। खिचड़ी ये भी कोई खाने की चीज है? बीमारों को देते हैं ये, मुझे नहीं खाने। अरे राज, अरे नहीं, ये अलग खिचड़ी है, बंगाली स्पेशलिटी। तू चख कर तो देख, हम तुमको गारंटी देता है तुमको बहुत अच्छा लगेगा। और तू क्या पूरा टाइम पंजाबी खाना खाता है, तुम्हारा पेट का चढ़ा हो जाएगा। तू ट्राई कर, करो। अरे मम्मी मुझे नहीं खाना। अरे करो ना मुझे राज, करो। वैसे इतनी खिचड़ी लाया या और भी है? ये लो, देखा हम बोले थे ना अच्छा लगेगा, और खाओ। ले बेटा खा, बहुत स्वाद बनी है। माँ मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। राज ट्राई करके तो देखो, इट्स रियली नाइस। समझ में नहीं आता, एक बार मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। कहाँ थी तू, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ मैं। दादी वॉशरूम गई थी मुंह धोने, क्या हुआ? तुझे एक अच्छी खबर देनी है, चला मेरे साथ जल्दी आना। दादी क्या हुआ? अरे आ तो सही। दादी बताइए तो सही। आ ना बच्चे। मानवी हम सब तुमसे मिलकर निकलने का इंतजार ही कर रहे थे। व्हाट यम्मी फूड, हम वाओ, सो टेस्टी। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू। एकदम परफेक्ट कपल लगते हो, हमेशा ऐसे ही साथ में रहना। छोटू मुझे भी कुछ खिला दे यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। भैया भाभी के हाथ की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। खाना पूरा खत्म है, मैं कुछ और बना दूं? छोड़, वही खाना था मुझे, फिर कभी खा लूंगा। सुबह से अकेले नॉनस्टॉप काम कर रही है, ओनली सो दैट मेरी फैमिली का इमेज ठीक हो, गेस्ट्स को कोई दिक्कत ना हो। तुम इतनी अच्छी क्यों हो मानवी? पता नहीं अब भी मुझसे बात करोगी कि आप? आई शुड एटलीस्ट ट्राई। मानवी
मुझे तुमसे एक मंगली क्या हुआ भैया आखिर कौन सी इनकी तबीयत खराब थी मैंने कहा भी था इन्हें कि खाना मैं बना देता हूँ पर इन्होंने कुछ करे ही नहीं दिया खुद ही करती रही अगर तबीयत खराब थी तो फिर पहले क्यों नहीं बताया काम क्यों करने दिया इतना मंगली आंखें खोलो गॉड मानवी वह तो तेज बुखार है हेलो डॉक्टर राहुल बोल रहा हूँ वो मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है सडनली काम करते करते बेहोश हो गई है क्या मतलब वीकनेस भी होगी मैं अभी आता हूँ पर तब तक आप उन्हें वार्म रखिए कुछ गर्म कपड़ा उड़ा दीजिए तू एक काम कर तू बाहर जाकर डॉक्टर की वेट कर जी okay? जी भैया कुछ नहीं तुम जाओ ठंडे पानी से तो मानवी की तबीयत और खराब हो जाएगी इसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे मैं किसी को लेके आता हूँ दादी हाँ मानवी को बहुत तेज बुखार है मैं उसका सर सेक रहा था ठंडे पानी से वो ठंडा पानी उसी के ऊपर गिर गया हाय रब्बा घर में किसी को पता भी है कि नहीं मैंने अभी सोनाली को बुला कर नहीं दादी सुनो ना मैं कह रहा था कि वो एक्चुअली ठंडा पानी ना उसके कपड़ों पर गिर गया ठंड लग रही है तो आप चलो ना मेरे साथ अंदर बदल दो ना कपड़े उसके क्या आप अरे शादी करके लाया तू उसे बीवी है तेरी चल जाकर कपड़े बदल उसके दादी मैं कैसे बदलूंगा उसके कपड़े जा ना दादी मेरे लिए हो तुम
रानी तुम्हें होश आ गया? नहीं नहीं नहीं, वो तुम काम करते करते बेहोश हो गई थी और बहुत तेज बुखार था तुम्हें। डॉक्टर आने वाले हैं बस। तो तुमने क्या सोचा कि तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश करोगे? फायदा? मैंने तुम्हें मना किया था ना राहुल कि मेरे पास कभी मत आना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम गलत समझ रही हो मानवी, तुम बेहोश हो गई थी और गलती से तुम्हारे ऊपर पानी गिर गया था मानवी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, ये तो मैं पहले से ही जानती थी कि तुम लोगों का फायदा उठाने में माहिर हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक बीमार एक बेहोश लड़की का फायदा उठाने की कोशिश करोगे। तुम अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, मैं कुछ भी करता हूँ तुम्हें हमेशा गलत क्यों लगता है मानवी? क्यों? क्योंकि क्या? क्यों? क्योंकि तुम मानवी, दूर हटो मुझसे। नहीं हटूंगा, बिल्कुल नहीं हटूंगा। बीमार हो तुम, गॉड डैमिट, और मैं बार बार वो नहीं करूंगा जो तुम चाहती हो, समझी तुम? चाहे जितना मर्जी नफरत कर लो मुझसे, लेकिन मुसीबत के वक्त मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, फिर चाहे तुम चाहो या ना चाहो, समझी तुम? मानवी, एक बार, सिर्फ एक बार बिना लड़े मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा रहा था, समझी? तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया मैंने, और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें वार्म रखना है, इसलिए कर रहा था ये सब। मानवी, मानवी, गॉड, क्यों इतनी मेहनत करती हो? डॉक्टर, मानवी को देखने आए हैं, बीमार है बेचारी। क्या हुआ उसे? सुबह से ही तबीयत खराब है उसकी, इतना बुखार है फिर भी खाना बनाती रही। 50 लोगों का खाना बनाना कोई मजाक तो है नहीं। रीति रिवाज के चक्कर में उसने किसी की मदद भी नहीं ली। क्या? हाँ, अरे उसने तो राहुल तक को नहीं बताया। ऐसी हालत में काम करेगी तो ये सब तो होगा ही ना। अरे कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई बेचारी। मानवी बेहोश हो गई और हम में से किसी को नहीं पता? हाँ, इन्हें बहुत तेज बुखार है और काफी कमजोरी भी है। आपने इनके बेहोश होने तक मेरा वेट क्यों किया? आप मुझे पहले ही बुला लेते। डॉक्टर ने बताया है, सुबह सिर्फ दादी को बता दिया था कि थोड़ा सा बुखार है और दवाई ले लेगी, दैट्स इट। नहीं होगा, अब मुझसे और नहीं होगा, नहीं होगा माँ। मानवी, आई थिंक ये किसी बात को लेकर काफी स्ट्रेस में है। आपकी कोई बात हुई इनसे? नहीं। खैर, बुखार की वजह तो कल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, एक लड़की की शादी, उसकी तैयारियां, उसके रिश्तेदार, ये सारा का सारा प्रोसेस अपने आप में थकान वाला होता है। और फिर एकदम से एक नया घर, नए लोग, नए रिश्तेदार, उन सबको समझना और उन सबके साथ एडजस्टमेंट करना, इन सब बातों को लेकर के ही स्ट्रेस होता है। जी डॉक्टर, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत तो नहीं? तबीयत नाजुक है पर ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल तो अपने घर में जितना रहेंगी उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। आप लोग इन्हें भरपूर प्यार दीजिए, इनकी फीलिंग्स को समझिए और इनको समझाइए, ये सब बातों से ये रिकवर करेंगी और स्ट्रेस भी कम होगा। मैंने इन्हें जो इंजेक्शन दिया है उससे टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, और ये कुछ दवाइयाँ आप मंगवा लीजिए। हो सकता है कि इन्हें सुबह तक पूरी तरह से होश ना आए, इनको आराम करने दीजिए। अगर आप आज रात इनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाते रहेंगे तो इन्हें जल्दी आराम मिलेगा। और हाँ, इनके टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए किसी एक को यहाँ रहना होगा, और अगर फिर भी बुखार कम ना हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। आप चाहे तो मैं किसी नर्स को भेज दूंगा, वो अच्छे से देखभाल कर लेगी। उसकी ज़रूरत नहीं, हम उसकी देखभाल करेंगे। ओके। सुबह से तबीयत खराब है और हमें किसी को पता नहीं, तो यहाँ बैठ, मैं दवाई लेके आती हूँ।
तुम्हारी नाराजगी मुझसे है ना, तो फिर अपने आप को क्यों दोष दे रही हो? क्यों नहीं बताया किसी को तुमने मानवी? मॉम, तुम अंदर जाके रख दो अपने यार। क्या हुआ मॉम, कोई बीमार है क्या? हाँ, मानवी को बहुत तेज बुखार है। रियली? आई डिडंट नो के मानवी इतनी छुई मुई सी है। एक दिन खाना क्या बना लिया, उसकी तबीयत ही खराब हो गई। वाओ। खाना बनाने की बात नहीं है निशा, शी वॉज एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल। सुबह से बेचारी इसी हालत में पूरा काम करती रही, वो भी अकेले, किसी को पता भी नहीं चलने दिया उसने। मुझे इतना बुरा लग रहा है उसके लिए, मैंने भी अनजाने में पता नहीं क्या क्या कह दिया उससे। What the hell? पहले तो ये मानी, इसने राहुल का दिमाग खराब किया और अब मॉम भी इसी का फेवर ले रही है। No way. मुझे ये सब रोकना ही होगा, वरना मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। माँ, माँ प्लीज मत जाओ, प्लीज मेरे पास रह जाओ। माँ, मैं कहीं नहीं जा रही बेटा, मैं यही हूं तुम्हारे पास, सो जाओ। छोटू। यस सर। सोनाली मैम कहाँ है? मैम राहुल भैया के कमरे में, वो एक्चुअली मानवी भाभी जी की तबीयत बहुत खराब है ना, तो उनकी वो देखभाल कर रही है। राहुल, ड्राइवर दवाइयां लेके आया होगा, जाओ तुम जाके लेके आओ। मैं जानता था मैम, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मानवी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। सोनाली, तुम यहां क्या कर रही हो? अब भी जाके सोई है। अरे वो सोई है तो मैं क्या करूं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम यहां बैठ के उसकी सेवा क्यों कर रही हो? राज, जो भी हो, अभी हमारे घर में है, बीमार है, पता है कितना हाई फीवर है। बेचारी ने इस हालत में रस्म निभाने के लिए पूरा दिन मेहनत करती रही, सबके लिए खाना बनाती रही। तो मैं इसका क्या मतलब समझूं? कि तुम उपमन्यु की इस बेटी का सपोर्ट कर रही हो? राज, काम डाउन, चलो बाहर चल, बाहर चल के बात करते। सुनाली, मुझे कोई बात नहीं करनी। सोनाली, ये क्या तरीका है? ये मेरा घर है, मैं जहां चाहूंगा वहां बात करूंगा और जो चाहूंगा वो बात करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, वो लड़की इस घर में सिर्फ राहुल की वजह से है, वो उसे यहां जबरदस्ती लेकर आया है, लेकिन मैं उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बात मैं तुम्हें और राहुल दोनों को बता चुका हूं, इसलिए मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। उसकी तबीयत बहुत खराब है राज। तबीयत खराब है तो हमें नौकर चाकर हैं हेल्प करने के लिए, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। राज, वो उसकी माँ को मिस कर रही थी, बेहोशी में मुझे माँ कहकर पुकार रही थी। मैं भी एक माँ हूँ राज, मेरे भी बच्चे हैं, मैं उसे ऐसे ऐसे बीमार हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? ओह, तो तुम्हारे अंदर ममता जाग गई, तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो जाओ खिलाओ पिलाओ, जो करना है करो, दवाई पिलाओ। तो तुम्हें मेरी सुननी नहीं है तो मैं बोल क्यों रहा? राज, मैं सोच रही थी कि अगर हम मानवी की माँ को कल बुला सके तो शी विल फील बेटर। वंडरफुल, क्या आइडिया है! वो लड़की जिसे मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब उसकी पूरी फैमिली यहाँ आएगी। इससे अच्छा आइडिया तो सोनाली हो ही नहीं सकता। जिन लोगों की औकात नहीं है इस घर के सामने खड़े होने की, वो भी इस घर के अंदर आएंगे। बहुत बढ़िया, करो, तुम्हारा जो दिल में है वो करो। ऐसे हम उसे अपने माँ बाप से दूर तो नहीं रख सकते हैं राज, उनका भी उसके ऊपर कोई हक है। बिल्कुल हक है। और जब मेरा खुद का बेटा, उसने मेरी नहीं सुनी, मेरी बीवी मेरी नहीं सुन रही, तो उनका तो हक बनता ही है। बिल्कुल, तुम्हें जो दिल में आए करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं।
कम हुआ बुखार। चलो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। पर डैड, तुम तो जानते हो ना उन्हें। डोंट वरी, मैं समझा दूंगी। नहीं मैम, मैम डैड के पास जाइए, ये तो और भी गुस्सा हो जाएंगे। नहीं कोई नहीं मैम, मुझे नींद नहीं आ रही, और अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं सबसे पहले आपको ही उठाऊंगा, प्रॉमिस। अब आप जाइए प्लीज। ठीक है, बुला लेना। सबको ना मिलता ये खजाना। पानी अभी देता हूँ। प्लीज मत जाओ, प्लीज यहाँ रुक जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा मानवी, कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।